नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में, आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त सभी की नजर अनंतनाग पर बनी हुई है क्योंकि 80 घंटे हो चुके हैं और अभी भी लगातार एनकाउंटर जारी। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर बारामूला से सामने आई, जहां एक और आतंकी को ढेर किया गया है। उरी के हथलंगा इलाके में आतंकियों को घेरा गया है, मारे गए आतंकियों से गोला बारूद बरामद किया गया है। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। दो आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, गोला बारूद बरामद किए गए हैं इन आतंकियों के पास से। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ हुई है और दो आतंकी ढेर किए गए हैं। उरी के हथलंगा इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जहां अभी भी आशंका है कि आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऐसे में इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और बता दें आपको इसी बीच एक और बड़ी खबर अनंतनाग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ वाली जगह के पास बड़ा धमाका हुआ है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने लगातार घेरे रखा है ड्रोन के जरिए। अब आतंकियों पर भारी बमबारी की जा रही है। चले मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। तो आसिफ, क्योंकि अब सिर्फ इंतजार, 80 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी 2 से 3 आतंकी है जो लगातार सुरक्षा बलों के पकड़ में आ नहीं रहे हैं। हालांकि यहां पर हम देख रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर ड्रोन से बमबारी की जा रही है, गोलीबारी लगातार की जा रही है, लेकिन और कितना वक्त लगेगा आसिफ? देखिए, ऑपरेशन को हालांकि 80 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार यहाँ हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, फायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कुछ ब्लास्ट, काफ़ी ह्यूज ब्लास्ट हुए और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया कल की तरह आज भी। और लगातार जो है वो यहाँ पर सूचना यही मिल रही है कि 2 से 3 जो आतंकी है उन्हें बिल्कुल घेर रखा गया है और उनके खिलाफ ऑपरेशन काफी तेजी के साथ जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 2 या 3 ये आतंकी है उन्हें मार गिराया जाए। और यहाँ जो इस इलाके में पूरा जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी फोर्सेस की तैनाती कड़ी कर दी गई है, ताकि इस एनकाउंटर के दौरान कहीं पर मौजूद आतंकी कहीं और से हमला न करे, इसको भी निश्चित किया जा रहा है। और जो कॉर्डन वाला इलाका है, जिस जगह पर ये मुख्य मुठभेड़ हो रही है, वहाँ पर भी कई तरह के जो फोर्सेस द्वारा है कॉर्डन बनाए गए हैं, ताकि किसी भी हालत में वहाँ छुपे आतंकी भागने में कामयाब न हो जाए। और फिलहाल अब जो है यही अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी क्लोज फोर्सेस पहुंच चुकी है और जिस हाइडआउट में, जिस नेचुरल केव टाइप का यो हाइडआउट बनाया था मिलिटेंटों ने, उसे भी नष्ट कर दिया गया है। और करीब कल से 4 हाइडआउट्स को यहां पर तबाह कर दिया गया, जिस दौरान सेना ने ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की और जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं वो इस्तेमाल हुए इस ऑपरेशन के दौरान। और अब बताया जा रहा है कि काफ़ी कम समय लग सकता है इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में, और इस तरह से जो ये 80 घंटे से भी ऑपरेशन, 80 घंटे से भी ज़्यादा समय से ऑपरेशन जारी है, वो अब कभी भी यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। लेकिन सैनिटाइजेशन जो इलाके की है वो काफ़ी देर तक उसके बाद भी जारी रहेगी। फिलहाल जो है सभी को इंतज़ार इस बात का है कि मिलिटेंटों के बारे में यहाँ इस जंगल के इलाके से क्या खबर निकल कर आती है। जी बिल्कुल, इस पर नज़र है ही। वहीं आसिफ, खबर बारामूला से भी सामने आई है, वहाँ भी आतंकी को ढेर किया गया है और वहाँ पर भी आशंका है कि कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं।
जी, हथलंगा इलाका उड़ी में फॉरवर्ड इलाका है, नियंत्रण रेखा के पास का इलाका है। यहाँ पर फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इनपुट मिला था मिलिटेंटों की मूवमेंट के बारे में, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इस इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। और इसी ऑपरेशन के दौरान सुबह जो है आतंकियों और मिलिटेंटों का जो है फोर्सेज के साथ आमना सामना हुआ और दोनों तरफ से भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। पहले शुरुआती मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया और उसके करीब एक घंटे बाद दूसरा आतंकी मारा गया। दो जो है टेररिस्ट इस ऑपरेशन में अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है क्योंकि आशंका है कि कुछ और भी हो सकते हैं। क्या ये जो नियंत्रण रेखा के पास मुठभेड़ हुई है, हालांकि इस बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं आ पाई है कि क्या ये आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में आए थे या पहले से ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिलहाल क्योंकि ऑपरेशन जारी है तो सारा कंसंट्रेशन उसी की तरफ है कि पहले इस ऑपरेशन को यहां पर कंक्लूड किया जाए। जी बिल्कुल, बस इंतजार है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों पर लगाम कसे और इनको जो लगातार सुरक्षा बलों को जो कच्चा देते नजर आ रहे हैं, पिछले 80 घंटों से 2 से 3 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है जो इन घने जंगलों में छिपे। हालांकि आप गोलीबारी और बमबारी की जवाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा बल कितना सक्रिय है और इनके ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही है। और इसी के साथ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहेगा न्यूज 24।